Hello and welcome to session number 6 of Soft Skills. In this, we are going to talk about team and group work. Topics covered are teamwork, what's our perspective, what is the process of team development, people play roles in teams, symptoms of group or team dysfunction, consider your own experience. So first of all, we'll discuss about team. What do you think? What is a team nowadays? In today's times, employees in every organization are expected to work in groups to complete various projects. आज आप देख सकते हैं कहीं पर भी हम जाएं, कहीं भी किसी corporate में, कहीं भी company में, आजकल हम हर जगह पे ये देखा जा सकता है कि work हम groups में कर रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि particularly projects पे काम करने के लिए individually काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो इसीलिए हम team बना देते हैं ताकि उस group effort से हम वो चीज़ जल्दी से जल्दी और बेहतर तरीके से कर सकें. Team members have to work unitedly to achieve the targets that have been set. तो ये इकट्ठे मिल के उनको अपना target जो है वो complete करना होता है. However, working in a team is easier said than done. Many factors contribute to the smooth and efficient working of a team. If a team is not showing the desired results, one has to find ways that would help in improving teamwork. तो हम ये बहुत आसान नहीं है टीम वर्क, जैसे कि कहा जा सकता है कि इकट्ठे मिल के काम करना है. बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो बीच में प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट करते हैं. स्मूथ और एफिशिएंट वर्किंग के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और वो फैक्टर्स समझने पड़ते हैं जिसमें प्रॉब्लम आ रही है, उन्हें क्लियर करना पड़ता है ताकि हम एक इफ़ेक्टिव टीम बना सकें. आज हम चाहे वर्क प्लेस में, स्पोर्ट्स में, हर जगह पर कम्युनिटी में इफ़ेक्टिव टीम वर्क बहुत ज़रूरी है. और इफ़ेक्टिव अगर होगी हमारी टीम तभी हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकेंगे. बट इट्स नॉट ईजी, जितना कहा जा रहा है उतना ईजी नहीं है. बहुत कुछ चीज़ें इसके अंदर, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो दैट आर रिक्वायर्ड टू कोहेर टुगेदर वर्किंग सीमलेसली फॉर एन इफेक्टिव टीम टू डेवलप एंड वर्क. नाउ फर्स्ट इज ग्लोबल एक्टिविटीज एंड चैलेंजेस ऑफन आर. तो टीम वर्क में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्लोबल एक्टिविटीज़ हैं, चैलेंजेस जो हमें कम्पीट करने होते हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, बहुत डिफिकल्ट टास्क जो हैं वो हमें कम्प्लीट करने होंगे, एम्बिग्यूस कन्फ्यूजन जिसमें क्रिएट हो रहा हो, तो उनके लिए हमें बहुत डिफ़िकल्ट टास्क को कम्पीट करने के लिए हमें ग्रुप एक्टिविटीज़ की ज़रूरत पड़ती है, टीम वर्क की ज़रूरत पड़ती है ताकि इकट्ठे मिल के हम उन चैलेंजेस को पूरा कर सकें. What does this mean for you as leaders? लेकिन इसमें एक लीडर की बहुत ज़रूरत होती है, वो लीडर जिसके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए. इफ़ेक्टिव टीम वर्क इज़ ऑल अबाउट गुड लीडरशिप. अगर आप एक अच्छे लीडर हैं तभी आप अपनी टीम को सही तरीके से लीड करेंगे. और आपको ये पहचानना होगा, अलग अलग रोल प्लेस के बारे में हम बात करेंगे आगे, कि कौन सा जो पर्टिकुलर ह्यूमन है वो कैसे टीम में काम करेगा, उसके अलग अलग रोल्स के अकॉर्डिंगली. ये सिर्फ लीडर ही करेगा कि वो पहचानेगा कि किस ह्यूमन को कौन सा रोल दिया जा सके, तभी वो एक इफ़ेक्टिव लीडरशिप के थ्रू अपनी टीम को सही तरीके से आगे लीड करेगा. सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इसका यही रहता है टू क्रिएट एंड मेंटेन. सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो लीडरशिप होनी चाहिए एक लीडर के अंदर, जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो ये है कि ही शुड हैव द स्किल्स टू क्रिएट एंड मेंटेन अ वर्किंग कल्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ पॉजिटिव. उन्हें अपने सारे जो उनके अंडर काम कर रहे हैं, उनकी टीम में जो काम कर रहे हैं, उन्हें मोटिवेट करना चाहिए. इवन इंस्पायर द टीम मेंबर्स टू गेट इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट विद इज़ अ पॉजिटिव अप्रोच टू वर्क विद हाई लेवल्स ऑफ कमिटमेंट. तो उन्हें इतना हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट और पॉजिटिव अप्रोच लानी होगी अपने ऑर्गेनाइजेशन में ताकि वो अपने टीम मेंबर्स को और ज़्यादा पॉजिटिविटी दे सकें और मोटिवेट कर सकें. व्हाट डज दिस मीन फॉर यू एज लीडर्स? लीडर्स आपको क्या लगता है कि लीडर्स का क्या इंपॉर्टेंट रोल रहता होगा? उन्हें कम्युनिकेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए ताकि वो हर जगह से सही तरीके से कम्युनिकेट कर सकें. कुछ क्वालिटीज़ उनके अंदर स्पेसिफिकली होनी चाहिए जो हम आगे इसके बारे में थोड़ा सा स्लाइड्स में पढ़ेंगे कि किस तरीके से उनके अंदर गुड क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो ताकि वो अपनी टीम को ठीक से आगे लीड कर सकें. एंड हमने ये भी देखा है वी वर्क इन टीम्स बेटर टू कन्फ्रंट दैट फ्यूचर. और अगर हम वही काम टीम्स में होकर करते हैं रादर देन बींग इंडिविजुअल, तो हम ज़्यादा बेटर उसको परफॉर्म कर पाते हैं एंड वी कैन कन्फ्रंट दैट फ्यूचर एंड वी परफॉर्म मच बेटर. एंड वॉट इज़ अ लर्निंग लेसन वी कैन लर्न फ्रॉम हेयर दैट प्लानिंग इज अ ग्रुप हेल्प्स यू फेस दैट फ्यूचर. तो अगर हम एज अ ग्रुप उसे प्लान करके
पूरा चलते हैं और उसे ठीक से प्लान करके हम आगे कन्फ्रंट करते हैं, तो हम उस फ्यूचर को ठीक से फेस कर पाएंगे और एडजस्टमेंट्स कर पाएंगे. एंड प्लानिंग ऑल्सो हेल्प्स यू स्टे फोकस ऑन योर मेन गोल्स. तो इस तरीके से अगर हम प्लान करके चलें कि हमने कहाँ पे कौन सी एडजस्टमेंट करनी है और किस तरीके से अपने गोल्स को पूरा करना है, उनके लिए हमें प्रिपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी कि पूरा हमें फॉर्मेट जो है वो प्लान करना होगा ताकि हम अपने जो गोल्स हैं उनको लेकर फोकस्ड रह सकें. नाउ सम पीपल थिंक टीम्स आर नॉट प्रोडक्टिव. कुछ लोग सोचते हैं कि टीम से कुछ नहीं होगा, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वी कैन इवन परफॉर्म एज एन इंडिविजुअल, वी कैन परफॉर्म बेटर, बट दैट्स नॉट पॉसिबल. आप एज अ टीम जितना बेटर परफॉर्म कर सकते हैं उतना आप इंडिविजुअली परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. सो नाउ व्हाट्स आवर पर्सपेक्टिव. दिस इज़ ट्रू इन सम केसेस, बिकॉज अगर हम ग्रुप टीम को इफेक्टिव भी इनइफेक्टिव भी हो जाती है वो, क्योंकि वहाँ पर अगर उनको कोई रियल पर्पस नहीं मिल पाता और ठीक से टीम को लीडरशिप नहीं मिल पाती है कहाँ पे लीड करना है, तो वहाँ पे वो एक इनइफेक्टिव टीम भी बन जाती है. तो एक गुड टीम लीडर वही होता है हु डज नॉट ओनली फोकसेस ऑन हिमसेल्फ और हरसेल्फ बट ऑन द पर्पस एंड डायरेक्शन ऑफ द टीम, बट ऑल्सो मेक श्योर दैट द अदर मेम्बर्स ऑफ द टीम शेयर हिज फोकस. तो उसका फोकस भी वो शेयर करें, सिर्फ अपना ही फोकस उसको शेयर नहीं करवाना बल्कि एज अ टीम उसको ये ग्रुप एक्टिविटी करनी है ताकि वो रियल पर्पस जो है वो सबके समझ में आए, सारे ग्रुप मेम्बर्स उसको एज अपना रियल पर्पस और मोटिव समझ के उसको पूरा करें. तो ये चीज़ गुड टीम लीडर ही वो ये सब चीज़ें ला सकता है. और उनको एक गुड टीम लीडर हैज़ ऑल्सो शुड ऑल्सो हैव दैट केपेबिलिटी ताकि वो हाई लेवल ऑफ मोराले उनके अंदर बूस्ट करे अपने सारे टीम मेंबर्स के अंदर अपनी टीम में, सो दैट दे फील सपोर्टेड एंड वैल्यूड. सो व्हेन दे डोंट हैव दैट पर्टिकुलर गोल कि हमें किस रास्ते पर चलना है, क्या हमारा मोटिव है, वो कम्युनिकेशन ही उन्हें नहीं मिल पाता कि किस तरीके से हमने किस रास्ते पर चलना है, तो इसीलिए वहाँ पर टीम्स जो है वो इनइफेक्टिव हो जाती हैं. तो इंटरपर्सनल इंट्रैक्शन बहुत ज़रूरी होगा ताकि आर्टिकुलेट कर सके. टीम लीडर का यही रोल रहेगा कि वो अपनी फीलिंग्स जो है वो आर्टिकुलेट कर सके, एक्सप्रेस कर सके अपने सारे प्लान्स, अपने आइडियाज़ शेयर कर सके और सब लोगों का व्यू पॉइंट समझते हुए उन्हें अपना व्यू पॉइंट समझाए. तो वी कैन से कि जो एक ग्रुप टीम लीडर है, इट एनेबल्स द मेंबर्स ऑफ द टीम टू आर्टिकुलेट देयर फीलिंग्स, एक्सप्रेस देयर प्लान, शेयर देयर आइडियाज़ एंड अंडरस्टैंड ईच अदर्स व्यू पॉइंट्स. तो इस तरीके से उनके क्लियर कट रोल्स में उनको बांटना बहुत ज़रूरी है कि पर्टिकुलरली वो कौन सा रोल कौन करेगा. कोई उसमें प्रैक्टिकल वर्क करेगा, कोई सिर्फ प्लानिंग का काम करेगा, तो ये चीज़ें सिर्फ लीडर ही प्लान कर सकता है. और अगर वो ठीक से प्लान नहीं होता तो वहाँ पर ग्रुप या टीम्स जो हैं वो इनइफेक्टिव हो जाती हैं. बट ऐसा नहीं है, ग्रुप एफर्ट का ज़्यादा हमारे पास, जैसा हमने पहले स्लाइड्स में डिस्कस किया कि ज़्यादा हमारे को बेनिफिशियल रहती हैं ग्रुप एफर्ट्स, क्योंकि उनसे हम ज़्यादा जल्दी अपनी जीत पा लेते हैं और सैटिस्फैक्शन भी ग्रुप एफर्ट्स में काफ़ी हायर देखने को मिला है दैन विद द इंडिविजुअल वंस. तो ये इट्स नॉट एन ईजी टास्क, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि ये बहुत ईजी टास्क नहीं है, इसमें काफ़ी सारी बीच में प्रोसेसेस भी आती हैं. उसके लिए सबसे पहला टास्क रहता है फॉर्मिंग, व्हेन एवरीवन इज़ एट देयर बेस्ट एंड ऑप्टिमिस्टिक. यहाँ पर आप फॉर्म करेंगे टीम को, अलग अलग मेंबर्स को आप अपनी ग्रुप में लेकर आएंगे अपने टीम में, जिनको अलग अलग रोल्स प्रोवाइड करेंगे आप. यहाँ पर फॉर्मिंग स्टेज इसे हम बोलते हैं. नेक्स्ट इज स्टॉर्मिंग. यहाँ पर अब आप प्रायोरिटीज़ डिसाइड करेंगी, कौन किस सपोर्टिव रोल में है, कौन आई रखेगा, कौन सुपरविजन करेगा, कौन प्रैक्टिकलिटी में वर्क करेगा, कौन क्या करेगा, सबके में आप अपनी प्रायोरिटीज़ जो हैं वो इस्टेब्लिश करेंगे एंड यू विल क्रिएट ऑर्डर एंड रोल्स फॉर एवरीबडी. तो ये स्टेज स्टॉर्मिंग स्टेज कहलाती है. नेक्स्ट इज़ नॉर्मिंग स्टेज. नॉर्मिंग, जैसा कि नेम आप समझ सकते हैं, एज अ नेम सजेस्ट, हम यहाँ पर नॉर्म्स बनाते हैं, दैट मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस, कि कौन किसके अकॉर्डिंगली वर्क करेगा, कुछ रूल्स फॉलो करेंगे, कुछ रेगुलेशंस जो हैं हमारे वो फॉलो करने होंगे इस स्टेज में. और ये इस स्टेज में हम वही सब उन सब चीज़ पे ही वर्क करेंगे, कहाँ पे क्या चीज़ें हमें रोल्स क्या मिलेंगे और उनको किस तरीके से रूल्स के अकॉर्डिंगली कैसे फॉलो अप करना है. नेक्स्ट स्टेज इज़ परफॉर्मिंग स्टेज. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज, क्योंकि अब तक जो हमने तीन स्टेजेस में काम किया, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग एंड नॉर्मिंग में, वो यहाँ पर परफॉर्मिंग का काम स्टार्ट हो जाएगा कि कौन कैसे कैसे परफॉर्म करेगा. जो अपने ऑर्डर एंड रोल सबको मिल गए हैं और रूल्स मिल गए हैं कि कहाँ पर उन्हें कैसे काम करना है, उसके अकॉर्डिंगली अब परफॉर्मेंस शुरू हो जाएगा. नाउ द लास्ट स्टेज इज़ एडजर्निंग, मतलब आप अलग अलग उठ जाएंगे अपना काम करने के बाद, एडजर्न कर लेंगे. तो दीज आर द फ्यू स्टेजेस इन द प्रोसेस ऑफ टीम डेवलपमेंट.
नाउ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट इज पीपल प्ले रोल्स इन टीम्स. तो अलग अलग टीम्स में वो प्ले करते हैं रोल्स. बट इनके लिए पहले हमें पूरी अपनी जर्नी तैयार करनी होगी. जैसा कि मैंने फॉर्मिंग स्टेज के बारे में आपको बताया, आपको पहले अपना पूरा प्रिपरेशन करना होगा जर्नी का कि लुक एट व्हाट यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड. तो पहले आप अपना पूरा अचीवमेंट देखेंगे और ये सोच लेंगे कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपको आखिर जाना कहाँ है. अपने माइंड को स्टार्ट कर देंगे मैनेज करना एंड देन कमिट योरसेल्फ टू सक्सेस. और फिर अपने आपको कमिटमेंट देने के बाद अब आप सेटिंग का जब काम करेंगे उसमें अब आपका ये स्टेज आएगा कि आप अलग अलग रोल्स देंगे टीम्स में और आप अपनी पूरी नॉलेज जहाँ आपको सक्सीड करना है वहाँ पे अपनी डायरेक्ट करेंगे और बेसिक्स पे पूरा फोकस करेंगे. अपने छोटे छोटे गोल्स बना लेंगे ताकि आप उन्हें अचीव कर सकें और उन्हीं गोल्स के अकॉर्डिंगली आप लोगों को अपना रोल्स प्रोवाइड करेंगे. अपने मैनेज आपने करना है अपने माइंड के अकॉर्डिंगली कि किसको आपने कहाँ पे कौन सा रोल देना है. और इसी स्टेज में आप हैंडल करना सीखेंगे फेलियर्स को, क्योंकि गलतियां होना तो एक आम बात है. और उस मिस्टेक को एक्सेप्ट करना सीखें. एक्सेप्ट द मिस्टेक्स हैपन व्हेन यू आर ट्राइंग समथिंग न्यू. क्योंकि कुछ भी नया करते टाइम जब आप रोल्स दे रहे हैं या कभी भी आप छोटे छोटे गोल्स बना रहे हैं उनके लिए जो भी रेगुलेशंस बना रहे हैं रूल्स बना रहे हैं, तो गलती होना तो एक नॉर्मल सी बात है. तो उन्हें एक्सेप्ट करना ज़रूर आना चाहिए ताकि उन गलतियों से आप एक एज लर्निंग एक्सपीरियंस ले सकें और उसके बाद यू कैन एक्सीलरेट टूवर्ड्स योर सक्सेस. So in fact you get into the habit of treating mistakes as learning experiences, so you can almost start to see them in a positive light. After all, there is lot to be said for the saying, if it doesn't kill you, it makes you stronger. So now the stage starts towards the accelerating towards success. अब इससे पहले मैं आपको इन रोल्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगी कि इनोवेटर इज़ द पर्सन जो कि नए नए आइडियाज़ लाएगा, नए कॉन्सेप्ट्स लाएगा. चाहे वो थोड़े से उस टाइम इम्प्रैक्टिकल लगे कि ये तो हो ही नहीं पाएगा, बट वो बहुत ही स्टिम्युलेटेड आइडियाज़ होंगे क्योंकि उन्हीं आइडियाज़ को हम आगे बकल अप करेंगे, आगे प्रैक्टिकलिटी में इनको लाएंगे. नाउ द वर्कर वो है जिसे पता नहीं है, उसकी विजन नहीं है कि मैंने क्या काम करना है, बट वो सिर्फ काम करता रहेगा, प्रैक्टिकल करता रहेगा. काम करना उसका मेन, उसको यही रोल दिया गया है. मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन, दिस इज आप देख सकते हैं एज द नेम्स जस्ट, वो सिर्फ मॉनिटरिंग का काम करेंगे. बट ये जो पर्सन है ये कभी कभी अपने आइडियाज़ और फीजिबिलिटी को एनालाइज करते करते बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग भी हो जाता है, क्योंकि वो ही मे स्टार्ट डोमिनेटिंग टू मच विथ प्रैक्टिकलिटीज़. नाउ नेक्स्ट पर्सन इज़ रिसोर्स इन्वेस्टिगेटर. ये अलग अलग जगह से रिसोर्सेज के ऊपर एक्सप्लोरेशन करेगा कि कहाँ से हमें ह्यूमन रिसोर्स अच्छा मिलेगा या यहाँ जहाँ से रॉ मटेरियल है, अलग अलग तरीके के जो भी रिसोर्सेज हमें चाहिए वो कहाँ से हमें ठीक से प्रोवाइड हो जाएंगे या कहाँ से उस चीज़ों को एक्सप्लोर करेगा. एंड आइडियाज़ या रिसोर्सेज जहाँ भी आउटसाइड द ग्रुप हमें मिलेंगे वो उन चीज़ों पर अपनी रिसर्च कंटिन्यू रखता है. ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देता है बट इम्प्रूव्स एंटर एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट्स ऑल्सो, क्योंकि बाहर के लोगों के साथ एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट्स काफ़ी अच्छे हो जाते हैं. कंप्लीटर कंसर्न अबाउट कीपिंग ऑन द स्केड्यूल, ये स्केड्यूल बनाएंगे और कंप्लीट करेंगे डिटेल्स. कभी कभी ये थोड़े से एंक्शियस भी हो जाते हैं बट ये बहुत हार्ड वर्किंग कैटेगरी होनी चाहिए इसमें, ताकि क्योंकि जो अपने गोल्स को मीट करने में हर तरीके से पूरी मेहनत कर सके. एंड ही कीप्स ऑन द वे कीप्स एन आई ऑन द स्केड्यूल एंड ही कंप्लीट द डिटेल्स ऑल अबाउट. एंड फ्री राइडर इज अ पर्सन हु सी इफ अदर्स विल पिक अप द स्लैक और नॉट. सो हाउ डू वी मेक अ इफेक्टिव टीम. अब बात आती है ये सब चीज़ें सीखने के बाद एक इफेक्टिव टीम हम कैसे बना सकते हैं. हमें एक इफेक्टिव टीम के लिए एक पर्टिकुलरली जैसा मैंने आपको बोला रोल डिफाइन करने सबसे पहले बहुत ज़रूरी है, और वो सब काम आता है लीडरशिप का. उसको सारे प्रोसीजर्स बनाने होंगे ताकि किसी भी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो. एक गुड एग्जाम्पल उसको सेट करना होगा. कम्युनिकेशन में वो कहीं भी लैक करता है अगर तो फिर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, टीम में इनइफेक्टिविटी आ सकती है. क्योंकि इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर टीम्स टू नो clearly what their purpose is, what role each member of the team has to play and what each person is responsible for and what is not within their scope and the resources they have to achieve their goals. So ye sab cheeze vision pura clear hona chahiye. So first step is recognition of the group processes. To jaisa maine aapko bola ki group process jo hai uska recognition ho jana chahiye ki kaun sa insaan kya kaam karega. Now the next stage is planning, jisme maine aapko bataya ki is sab cheezon ke bare mein planning ho jani chahiye ki kaun sa member kya perform karega, kaun kiske liye responsible hai, kya unke scope ke बाहर है और क्या रिसोर्सेज उनके पास अवेलेबल हैं. ये सब चीजें डिफाइन हो जानी चाहिए. द टीम लीडर कैन एनेबल दिस बाय डिफाइनिंग द पर्पस इन अ क्लियर कट मैनर अप टू फ्रंट.
उसे क्लियर कट मैनर में ये चीज़ें अपने जो टीम मेंबर्स हैं उनके साथ डिस्कस कर लेनी चाहिए, ताकि किसी भी चीज़ को अवॉइड ना हो जाए और जो भी चीज़ें फोकस में रख के काम करना है वो सब उन्हें पता हो टू डू द इफेक्टिव टीम वर्क. Now the thing is linking objectives to evaluation. अब जिसके जिसके जो objectives मिले हैं, जिनको जो जो motive मिला है उसको evaluation तक लेके जाना है, यानी कि accelerating towards success. This is a time to start stretching yourself, make the goals a bit bigger and the challenges a bit tougher, and increase the size of your commitments, extend the skills you have proven into new but close related arenas. तो अब यहाँ पर आपको अपने जो भी आपके इवैल्यूएशंस हैं, ऑब्जेक्टिव जो है उनको लिंक करना है, एंड व्हाट गेट्स रिवॉर्डेड इज व्हाट गेट्स डन. तो उसी को उसके हिसाब से ही रिवॉर्ड मिलेगा, जो आप करेंगे उसके अकॉर्डिंगली ही आपको रिवॉर्ड मिलेगा. बट जितना ये समझ में आ रहा है उतना ईजी टास्क नहीं होता है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट जैसी चीज़ें बहुत नॉर्मली बीच में आ जाती हैं. ये कहना कि एक गुड टीम बना लेना, एक इफेक्टिव टीम बना लेना बहुत आसान है, लेकिन ज़रूर इस टाइप की कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बीच में आते हैं. तो बेस्ट वे टू काउंटर दिस इज टू हैव स्ट्रक्चर्ड मेथड्स ऑफ रिजॉल्विंग देम. एक स्ट्रक्चर्ड मेथड हमें रखना चाहिए, अगर हम एक टीम बिल्डिंग का काम जब कर रहे हैं तो हमें एक स्ट्रक्चर्ड मेथड रखना चाहिए, ताकि हम उसे ठीक से रिजॉल्व कर सकें. टीम मेंबर्स शुड हैव अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग देयर ओपिनियंस विदाउट फियर ऑफ कॉजिंग ऑफेंस टू एनीवन. और डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन भी कर सकते हैं, बट इट शुड बी इन अ मॉडरेटेड मैनर. हमें इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, प्रोकैस्टिनेट नहीं करना चाहिए, बल्कि इन्हें जल्दी से जल्दी सुलझा लेना चाहिए, ताकि हमारी टीम जो है वो इफेक्टिव वे में काम करती रहे. और इट इज़ वेरी मच एडवाइजेबल फॉर द टीम लीडर टू एक्चुअली सिट विद द पार्टीज इन कॉन्फ्लिक्ट एंड वर्क आउट द डिफरेंसेस बिटवीन देम विदाउट टेकिंग साइड्स एंड मेकिंग श्योर टू रिमेन ऑब्जेक्टिव. तो इस तरीके की चीज़ें अपने टीम लीडर को ज़रूर समझ में आनी चाहिए कि मेरा ये काम है और मुझे इस तरीके से अपनी टीम को लीड करना है, ताकि मैं अपनी टीम वर्क में हमेशा एक इम्प्रूवमेंट बनाता रहूं. उन्हें एंकरेज करना है, उनकी मेन ड्यूटी यही है कि वो अपनी टीम को एंकरेज करें, उन्हें मोटिवेट करें, और ताकि वो अपनी क्वालिटी वर्क प्रोवाइड कर सकें. सो द बिजनेस ग्लोबलाइजेशन प्रोजेक्ट पीयर इवैल्यूएशन में आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है. आपकी सबसे पहले अटेंडेंस, मतलब कि आपका वहाँ आना बहुत ज़रूरी है. जो भी टीम मेंबर्स हैं उनको वहाँ पे अटेंड करना ज़रूरी है. मान लीजिए कोई भी मीटिंग है, अगर आपने वो मिस कर दी, उसमें कुछ पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जा रही हैं, कंसिस्टेंट आपको अटेंडेंस बहुत ज़रूरी होगा एट ऑल ग्रुप मीटिंग्स. प्रिपरेशन, जैसा कि मैंने बताया कि कुछ भी प्रिपेयर कर रहे हैं. मेड कमिटमेंट्स टू अदर्स वॉज प्रिपेयर्ड फॉर ऑल मीटिंग्स एंड ऑल डायमेंशंस ऑफ इंडिविजुअल असाइनमेंट. तो आपको जो भी असाइनमेंट्स मिल रहे हैं, जो भी डायमेंशंस हैं, उन सबको प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है, और मीटिंग्स वगैरह के लिए हमेशा आपको प्रिपेयर रहना चाहिए. एंड क्वालिटी ऑफ वर्क, हमें हमेशा एक गुड क्वालिटी वर्क ही प्रोवाइड करना चाहिए. जैसा कि मैंने कहा कि टीम लीडर हमेशा मोटिवेट कर सकता है अपने जो टीम मेंबर्स हैं उनको क्वालिटी वर्क देने के लिए. मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है, जो टारगेट्स हैं उन्हें अचीव करना बहुत ज़रूरी है. तो आइडियाज़ शुड बी वेल डेवलप्ड एंड प्रेजेंटेड. तो इसके लिए आपको आइडियाज़ आपके वेल डेवलप्ड होने चाहिए, प्रेजेंटेबल होने चाहिए, रिटन वर्क इन फाइनल रादर देन द ड्राफ्ट ऑफ अनदर फॉर्म. और टीम डायनमिक्स, लिसन टू अदर्स. जैसा कि मैंने बोला कि आप कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए दूसरों की बात सुनना भी ज़रूरी है. टीम लीडर बिल्कुल भी ऐसा ना करे कि प्रेजिडिस करे या किसी का पर्टिकुलरली बायस हो जाए. ही शुड नॉट टेक साइड्स, बल्कि अपने ऑब्जेक्टिव अगर वो करना चाहता है तो ही शुड लिसन टू बोथ द पार्टीज एंड एवरी मेंबर और हेल्प ऑल मेंबर्स कॉन्ट्रीब्यूट टू द डिस्कशन. शेयर लीडरशिप फॉर टीम मीटिंग, वॉलंटियर टू बी गुड स्पोक्स पर्सन. तो ये सब चीज़ें उनके अंदर ज़रूर होनी चाहिए. ये कुछ केसेस हैं जिन केसेस में टीम जो है वो ग्रुप या टीम जो है वो डिसफंक्शन करने लगती है. व्हेन वन मेंबर डोमिनेट्स अदर, एक इंसान दूसरे पर डोमिनेट करने लगेगा, सिर्फ अपने आप को हाई पोजीशन अथॉरिटी सुपीरियॉरिटी दिखाकर अपने आप को डोमिनेट दूसरे को डोमिनेट करेगा, तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स बीच में बहुत आती हैं, जहाँ पे सक्सेस जो है वो टीम का बहुत पीछे हो जाता है. बिकॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेंशियल प्रॉब्लम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम हेयर इज़ कम्युनिकेशन. क्योंकि ठीक से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा और एक मेंबर जो है वो अपने आप को डोमिनेशन में ला रहा है, और लीडर जो है टीम लीडर इज़ अ पर्सन हु मेक्स डिसीजन, बट दिस डज नॉट मीन दैट ही शुड लिसन टू एनी वन एल्स. ये नहीं है कि जो सुपीरियर है उसे सुने वो और डोमिनेट करने दे. तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं. डिसएग्रीमेंट्स डू नॉट लीड टू प्रोडक्टिविटी. तो डिसएग्रीमेंट हो रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं अगर, तो वो कभी भी आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं आ पाएगी.
तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स भी आती हैं जहाँ पे ग्रुप जो डिसफंक्शन होने लगता है, और मेंबर्स जब मीटिंग वगैरह अटेंड नहीं कर रहे हैं या किसी तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वहाँ पे भी एक प्रॉब्लम ये सिम्टम्स हो जाते हैं ग्रुप डिसफंक्शन के. साइलेंस इज़ द नॉर्म. साइलेंस एक रूल हमें बना के रखना चाहिए कि अब ये हमें कुछ नहीं बोलना वहाँ पे भी, क्योंकि कम्युनिकेशन की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. इंटरेक्शन ज़रूर होना चाहिए बिटवीन इंडिविजुअल. इट वुड बी बेनिफिशियल इफ द मेंबर्स नो ईच अदर वेल. अगर एक दूसरे को जानते होंगे तो काफ़ी बेहतर रहेगा. और अगर आप ये सोचते हैं कि मैं किसी और टीम में होता तो वहाँ पे भी आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी. एवरी इंडिविजुअल शुड अंडरस्टैंड दैट दे आर प्रोफेशनल्स एंड टू अचीव सक्सेस. उनका मेन गोल है सक्सेस लेना, एंड टू दे नीड टू बरी देयर पर्सनल हैचेट्स. अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स या इस टाइप की चीज़ें जो टीम में प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनको हमें साइड पर रख के अपने प्रोफेशनल वे में काम करना चाहिए. एंड एम्प्लॉयज शुड रियलाइज दैट देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट एंड दैट द सक्सेस अचीव शुड बी रिजल्ट फॉर द of the collective endeavor and not an individual one. तो ये नहीं समझना चाहिए कि उनकी प्रॉब्लम है, ये मेरी नहीं है. इस टाइप की चीज़ें जब ग्रुप में आने लगती हैं तो वो डिसफंक्शन होने लगता है, इनइफेक्टिव होने लगता है. अब आप अपने आप एक्सपीरियंस भी कंसिडर कर सकते हैं कि वॉट रोल्स आर द मोस्ट कम्फर्टेबल फॉर यू टू प्ले इन अ ग्रुप अ टीम. आपको क्या लगता है कि आप कैसा रोल प्ले कर सकते हैं ग्रुप या टीम में, एंड वॉट आर द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ रोल प्लेइंग इन ग्रुप्स. तो इस टाइप की इनका फ़ायदा क्या रहेगा, क्या नुकसान रहेगा, इनके ऊपर आप अपने एक्सपीरियंस से सोच सकते हैं कि आज तक आप जिस ग्रुप में वर्क करते आए हैं वहाँ पर आपके क्या स्ट्रेंथ रहे, आपने अपने वीकनेसेस को मिनिमाइज करने के लिए क्या किया, टीम ने कैसे कैसे काम किया, कैसा कम्युनिकेशन रहा, उन्होंने एग्जाम्पल रखा या नहीं रखा. तो इन ऑर्डर टू कीप द टीम कमिटेड एंड पॉजिटिव मोटिवेटेड, टीम लीडर शुड हिमसेल्फ और हरसेल्फ हैव ऑल द क्वालिटीज टू मेक इट अपेरेंट दैट ही शी डूज. तो आफ्टर ऑल द टीम लीडर इज अ पर्सन द टीम लुक्स फॉर टू फॉर सपोर्ट डायरेक्शन गाइडेंस एंड हेंस एनी सिनिसिज्म और नेगेटिविटी ऑन हिज पार्ट इज पिक्ड अप बाय द टीम एंड रिफ्लेक्टेड इन द टीम वर्क. तो ये हमें समझना चाहिए अगर उसने कुछ ठीक से काम नहीं किया तो वहाँ पर ये टीम की वीकनेस बन जाती है. तो वहाँ उसे एनहांस करना चाहिए स्ट्रेंथ को जो अपने टीम मेम्बर्स हैं, और उसे मोटिवेट करना चाहिए. अदरवाइज ये उसकी टीम के जो काम है या टीम का जो वर्क है उस पर भी ये दिखाई देने लगता है. सो इवन इफ इट मीन्स वोसिंग योर सेल्फ टू, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन अ सपोर्टिव एंड पॉजिटिव एटीट्यूड ऑलवेज. Now do it yourself. What is the team development process? How to make team more effective? Thank you.